एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानून पर इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है। राहुल गांधी आज किसानों के मुद्दे पर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी किसानों पर एक बुकलेट भी जारी करेंगे जिसे कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर छपवाया है। किसानों के मुद्दे पर पहले भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुखर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि आज दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कांग्रेस मुख्यालय पर, जिसमें किसानों पर एक बुकलेट भी जारी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बुकलेट जारी करेंगे जिसमें किसान आंदोलन की जो मांगे हैं वो मांगे कांग्रेस भी दोहराएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, लंबे समय बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में किसान केंद्र में है। हमारे साथ जैनेन्द्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब कांग्रेस पार्टी खुलेआम बड़े नेताओं के जरिए कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी हालांकि इससे पहले भी धरने प्रदर्शन करती रही है किसानों की मांगों के समर्थन में। 2 दिन पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर अपने तमाम पंजाब के सांसदों के समर्थन जताया था। वे वहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। जैनेन्द्र, क्या अपडेट है? जी विकास जी, बड़ा अपडेट यही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि कानूनों को लेकर के जो ताज़ा विवाद चल रहा है पिछले कुछ काफ़ी दिनों से उसको लेकर के है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों को लेकर के जो पूरा विवाद है और क्यों ये कृषि कानूनों का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर के एक बुकलेट तैयार किया है। उस बुकलेट को राहुल गांधी जारी करेंगे और इसके बाद प्रेस को संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर संभवतः सवालों का जवाब भी देंगे जो पत्रकार उनसे पूछेंगे। दरअसल इसका मकसद यह है विकास जी, संक्षेप में बता दूं कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है मूलतः पंजाब और हरियाणा में अब तक देखने को मिला है, देश के बाकी हिस्सों में उस तरह से इसको लेकर के जो है ना तो बहुत स्वागत ही हुआ है ना बहुत विरोधी हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं देश के बाकी हिस्सों में ले जाने की कोशिश कर रही है और ताकि कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़े अपडेट के लिए। हम आपके पास इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा उसके लिए आते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।